तुम ऐसे शख्स हो जो हम जैसे इंसानों के बारे में सब जानता है। Yo, what's up guys, I'm your friend Jay Dalodge और आज मैंने देखी Netflix पे आई हुई एक नई मूवी जिसका नाम है Luther the Fallen Son। Well, ये मूवी एक डिटेक्टिव टाइप मूवी है। अब ये मूवी क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, और जिन लोगों ने इस डिटेक्टिव के ऊपर यानी कि लूथर के ऊपर आई हुई सीरीज नहीं देखी हुई, डायरेक्ट मूवी देखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मूवी कैसी होगी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लेट्स हैव एन इंट्रो। ठीक है, तो भाई और बहनों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लूथर मूवी की कहानी के बारे में। तो भाई कहानी शुरू होती है हमारे मेन करेक्टर लूथर से, जिसको जेल भेज दिया गया है। और अब शहर के अंदर एक सीरियल किलर है जो कि आजाद घूम रहा है और बार बार लूथर को चैलेंज करे जा रहा है। अब क्योंकि लूथर हमारा जेल में है तो जेल से वो कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, इसलिए वो प्लान बनाता है कि मैं जेल तोड़ के बाहर जाऊंगा और बाहर निकल के मैं उस सीरियल किलर को पकड़ूंगा। और भाई चैलेंज ही यही होता है कि एक जेल से भागा हुआ कैदी जिसके पीछे पूरे शहर की पुलिस पड़ी हुई है, वो किस तरह खुद को भी बचाएगा और किस तरह उस सीरियल किलर को भी पकड़ेगा, इसी के बारे में ये मूवी है। ओके, तो आप बात कर लेते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मैंने इस मूवी का ना ट्रेलर देखा और ना ही लूथर की आई हुई पुरानी सीरीज देखी है। तो मैं उन ऑडियंस में से हूँ जो पहली बार इस मूवी को देखने जा रहा है और जिसको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पता। तो यार मेरे लिए ये मूवी जो है वो अच्छी थी। और अच्छी किस सेंस में कह रहा हूँ, देखो यार जो हमारा मेन हीरो है और जो विलन है, इन दोनों के बीच में जो थ्रिल क्रिएट होता है ना कि किस तरह से विलन सारे लोगों को मार रहा है और किस तरह से जो हमारा हीरो है, हमारा डिटेक्टिव लूथर, वो अपने आप को बचाते हुए उस सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वैसे ये वाला थ्रिल देख के मेरे को मजा आया और मैं इसी की वजह से पूरी मूवी ख़त्म कर पाया और मेरे को एट द एंड ये मूवी देख के एक अच्छा खासा मज़ा भी आ गया। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि सीरीज यानी कि लूथर की जो सीरीज पुरानी आ रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप क्या मिस कर जाओगे। तो यार आप ये मिस कर जाओगे कि जो मेन लूथर है उससे आपको कुछ इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होगा, ना ही इस मूवी में आपको हीरो से इमोशनल अटैचमेंट कनेक्ट होती है और ना ही विलन से। हीरो विलन या किसी भी अदर कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट ही नहीं हो पाते। आप बस इस मूवी को अगर डायरेक्टली देख रहे हो बिना लूथर के हिस्ट्री को जाने, तो बस इस बात को एंजॉय करोगे कि किस तरह इन दोनों के बीच में थ्रिल क्रिएट हो रहा है। वेल एट द एंड मैं बात कर लेता हूँ ये मूवी किन लोगों के लिए है। वेल, अगर आपने लूथर की सीरीज नहीं देखी तो शायद आप इस मूवी को थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपीरियंस कर पाओ ज़्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि फिर आपको किसी भी और चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, ना ही कंपेयर करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इस मूवी को देख के एंजॉय कर सकते हो। वेल, अगर आपने बहुत सारे डिटेक्टिव शोज पहले ही देख रखे हैं तो आपको इस मूवी की भी स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल सी हो जाएगी आपके लिए। इसलिए अगर आपको अच्छा खासा टाइम पास करना है, अगर आपको खाना खाते हुए, दोस्तों से बातें करते हुए, या फिर फ्री टाइम में जब कुछ और देखने का मन नहीं है और एक अच्छी चीज़ देखनी है, तो आप लूथर मूवी को देख सकते हो जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और हिंदी लैंग्वेज में भी है। वेल, ये था मेरा रिव्यू लूथर मूवी के लिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले किसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।